हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर 2014 का स्क्रीनिंग का पेपर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास पेपर है 2014 का स्क्रीनिंग का और इसका सेट है ए, और इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हैं 150 और टाइम दिया है आपको 2 घंटे का। और ये सभी क्वेश्चन रिलेटेड हैं जनरल नॉलेज, स्टेट रिलेटेड नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट और जनरल हिंदी से। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सभी 150 क्वेश्चंस। सो पूरा पेपर देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला ही भाग है सामान्य अध्ययन का, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई थी। सो यहाँ पर मैं आपको बाकी ऑप्शन ना बताकर डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को कौन इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू हुआ था। सो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल 1987 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 2002 में जोड़ा गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नकली वस्तुओं से सुरक्षा, इसे 2002 के अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और 2 समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। सो प्रतिलिप्याधिकार का मतलब है कॉपीराइट। सो कॉपीराइट के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, ये इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूचना का संग्रहण जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है। सो पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण ऑप्शन ए, केराटोसिस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है। ठीक है, सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, शीतल पेय बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्ती किस्म बनाई जो कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरबती सोनारा। देन क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच को जीता था। सो विंबलडन 2014 किसने जीता था, ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच ने। देन क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक का हरित गृह प्रभाव में योगदान है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में किसका योगदान है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रेडॉन 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है का स्रोत क्या है। सो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 238। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है। सो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन बी, डॉप्सन यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में उपस्थित है। सो दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, ऑप्शन ए, केसीन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है। सो ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत होता है ऑप्शन बी, पेनक्रियाटिक रस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। सो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। देन क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? सो विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं। सो कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक क्या हैं? भूमि, श्रम, पूंजी। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं। क्वेश्चन है, भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम, जिन्हें वर्ष 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, किस देश के नागरिक हैं? सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मैक्सिको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, गोविंद मिश्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2014 में सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता था? सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रजत पदक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? सो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी अहमद जई, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री मोदी की जनधन योजना के आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए थे? सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1.5 करोड़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एशिया का पहला प्राक्षेपिक शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया जाना है? सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, गुजरात। सो ये सभी क्वेश्चंस 2014 के करंट अफेयर से हैं और आप इसी के बेसिस पे 2020 और 2021 का जो भी करंट अफेयर है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया था? सो यंग बंग आंदोलन को आरंभ किया था ऑप्शन बी, हेनरी डिरोजियो द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? सो ये आंसर आप सभी को पता होगा ऑप्शन सी, वुड्स डिस्पैच को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था? सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881। देन निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? सो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1927 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? और राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है? सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया? सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, 24 सितंबर 2014 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एशियन खेल 2014 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, लियोनल मेसी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं, वह किस देश से संबंधित हैं? ये भी आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया है? सो नागालैंड के राज्यपाल 2014 में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन बी, पद्मनाभा आचार्य को। देन क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची में स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र खिलाड़ी है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित देशों में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित है? सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 76 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है? तो समान जनसंख्या घनत्व होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? सो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि एवं सिंचाई को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? सो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? सो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईवी रेड्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों के दिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? सो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ यानी कि चौथी सूची। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 360 आर्टिकल के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 दिन के भीतर। सो ये सभी क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से संबंधित। इसके बाद है पेपर का पार्ट टू यानी कि राज्य संबंधी ज्ञान, स्टेट रिलेटेड नॉलेज। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, किरात। देन क्वेश्चन नंबर 52, उत्तरकाशी के भुटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जाड। देन क्वेश्चन नंबर 53, किस वर्ष से ओली में शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएँ प्रारंभ हुई थी? सो किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन सी, 1993 से। देन क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंडर। देन क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है? सो इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया था? सो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। देन क्वेश्चन नंबर 57, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार थी? सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर जोत सिंह। देन क्वेश्चन नंबर 59, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुमिता बिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 767,571 हेक्टेयर। देन क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लिपुलेख दर्रा। देन
क्वेश्चन नंबर 62, कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी? सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जोशीमठ। देन क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कुमेलित विकल्प को चुनें। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जगत चंद। ठीक है, सो इनका कार्यकाल जो है इन्होंने सही नहीं दिया है इस ऑप्शन में। देन क्वेश्चन नंबर 64, किस सन में नेपाल के गोरखाओं ने कुमायूं पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था? सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1790। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 400 मेगावाट। देन क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों की घाटी। देन क्वेश्चन नंबर 67, स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवन चंद्र खंडूरी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें मैच द फॉलोइंग करना है आपको, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राय बहादुर पातीराम। देन क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिद्वार। तीसरा पार्ट है इस पेपर का शिक्षण अभिरुचि, जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एड्यूसेट प्रक्षेपित किया गया था। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2004 में। देन क्वेश्चन नंबर 72, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कठोर शिल्प यानी कि हार्डवेयर। देन क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा बिना बोझ के एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यशपाल समिति द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसका टाइटल था एजुकेशन विदाउट बर्डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है, सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अपव्यय एवं अवरोधन से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है, शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम है, सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास यानी कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। देन निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, श्यामपट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन सी, स्प्रेंजर द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 78, व्यवहार तकनीकी आधारित है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोविज्ञान पर। देन क्वेश्चन नंबर 79, मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं, यह कथन दिया गया था, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लूमीस द्वारा यह कथन दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक हैं, सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही कारक जो हैं विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है, सो यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रशासन यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 82, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड संबंधित है, सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 83, मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन एवं रियान ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सो प्रथम शिक्षा मंत्री थे
मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। इसके बाद है मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया है, यानी कि नीड थियोरी किसने दी है। सो नीड थियोरी दी है मैस्लो ने, सो ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। इसके बाद है भारत में इंटरनेट सुविधा प्रारंभ की गई, सो इंटरनेट भारत में शुरू हुआ था 1995 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है, यानी कि नॉट मी बट यू किसका मोटो है राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, सो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ऑप्शन सी SNDT महिला विश्वविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए राधा कृष्णन आयोग ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 2000-2001 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, सो कैसे किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, सो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। देन प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा था, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर्टॉग समिति ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया, सो कब प्रारंभ किया गया, वर्ष 1988 से, सो ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। देन विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, सो किसने की थी, राधा कृष्णन आयोग ने, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NCTE को किस वर्ष में एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया, सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1993 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में NCTE का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सबसे पहले आया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और लास्ट में शिक्षा आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुबोधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी के 3 C's का अर्थ है, सो तकनीकी के 3 C's का अर्थ है ऑप्शन बी कंप्यूटर पाठ्य वस्तु संप्रेषण तकनीकी, यानी कि 3 C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर कंटेंट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है। परिमाणात्मक मापन मीन्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आत्मनिष्ठता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री सैम पित्रोदा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खोजपूर्ण प्रश्न पूछने के कौशल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुधारात्मक एवं निरोधात्मक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया था, सो इसका प्रारंभ किया गया था ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, यानी कि MHRD द्वारा, जिसे अब हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है, सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी खोज शिक्षण आव्यूह।
इसके बाद शुरू होता है इस पेपर का भाग चार यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें पहला प्रश्न है, राम श्याम की तुलना में अधिक धनी है परंतु सोहन जैसा धनी नहीं है और रमेश की तुलना में अधिक गरीब है तो श्याम है। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रमेश की तुलना में अधिक गरीब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे 12 बजे दोपहर में सही समय पर रखा गया, यह 4 बजे प्रातः कितना समय बताएगी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4:10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थी ने एक परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सो माध्यिका होगी ऑप्शन सी, 125। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प निम्नांकित का उत्तर होगा यदि, सो यदि 2 = 5, 4 = 18, 6 = 39, 8 = 68, सो 10 = क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 105। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में अगली 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए। सो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ, फरवरी 1976 तक वह अपने कितने जन्मदिन मनाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 जन्मदिन मनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, गौरव से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, गौरव का स्त्री के साथ क्या संबंध है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों से 4 उत्तर चित्रों में से कौन सा समान रूप से संबंधित है। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनसे समान चित्र जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 36 गुणा है, संख्याओं का गुणनफल 3600 है, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 10। देन क्वेश्चन नंबर 120, आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है, इस समय वह शुरू से चलने के स्थान से कितनी दूर है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रित ब्याज 410 रुपये है तथा इसी धन का इतने ही वर्ष तथा उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज 400 रुपये है, तब ब्याज दर होगी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, ए तथा बी एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं जबकि बी तथा सी उसी कार्य को 24 दिन में और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, वे सभी 10 दिन कार्य करते हैं, तब बी तथा सी कार्य करना छोड़ देते हैं, एक कार्य को समाप्त करने में और कितने दिन लगाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 डेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सो इसका राइट आंसर यहाँ दिया है आपको ऑप्शन डी, 38। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह द्वारा चिन्हित खाली स्थान की पूर्ति हेतु सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक नदी में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर नाव चलाने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगाता है जबकि धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है, नदी की धारा की गति होगी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग का चिन्ह प्लस, जोड़ का चिन्ह इंटू, गुणा का चिन्ह माइनस तथा घटाने का चिन्ह डिवाइड हो तो निम्न समीकरणों में कौन सा सही है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, 1,550 रुपये को आंशिक रूप से 5% तथा शेष को 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 300 रुपये प्राप्त हुआ, 5% तथा 8% ब्याज पर दिए गए धन का अनुपात होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक टंकी एक घंटे में 10% भर जाती है तथा अगले घंटे 8% खाली हो जाती है। यदि इसे फिर दोहराया जाए तो टंकी पानी से कितने परसेंट भर जाएगी? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खुले हों तो दूसरे नल को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में भर जाए? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा सी अभिनय कला और खेल कूद में अच्छे हैं, डी तथा ए खेल कूद और पढ़ाई में अच्छे हैं, सी तथा बी सामान्य ज्ञान और अभिनय कला में अच्छे हैं, डी बी तथा ई पढ़ाई और सामान्य ज्ञान में अच्छे हैं, ई तथा डी पढ़ाई और सामाजिक कार्य में अच्छे हैं, तब पढ़ाई, सामान्य ज्ञान, खेल कूद और सामाजिक कार्य में कौन अच्छा है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वर्ण श्रेणी के लुप्त वर्णों को उचित क्रम में चार विकल्पों में से एक में दिया गया है, सही विकल्प होगा? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, लेकिन ये क्वेश्चन हिंदी में गलत और इंग्लिश में सही दिया है, तो इसलिए हम इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। सो स्टेटमेंट्स हैं दो, सम सर्कल्स आर फिगर्स, सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स। सो फाइंड द करेक्ट कंक्लूजन विच लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू स्टेटमेंट्स गिवन अबव। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सो इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी में गलत दिया था, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में दिखाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 121 मीटर तथा 99 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वे मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी? सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 11 सेकंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी और गणित में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को नीचे दिए गए वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है, कम से कम दो विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी 200 रुपये प्रति किलो दर वाली 26 किलो चाय तथा 360 रुपये प्रति किलो वाली 30 किलो चाय को मिश्रित करता है और मिश्रित चाय को 300 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, उसके कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5%। इसके बाद है इस पेपर का अंतिम भाग, यानी कि पांचवा भाग, सामान्य हिंदी। सो इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ है। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दोषी दूसरा फंसे कोई और। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का अर्थ है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। सो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, यदि धन अपि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, नीलगाय शब्द का समास विग्रह है। सो नीलगाय शब्द का समास विग्रह होगा ऑप्शन बी, नीली है जो गाय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का सही विलोम है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधि शब्द का तद्भव है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन में कौन सी संधि है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयादि स्वर संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द का वाक्यांश है। सो अज्ञेय शब्द का वाक्यांश क्या होगा यहाँ पर, जिसे जाना ना जा सके? ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों और समासों को कुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। सो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी।
आकाश का पर्यायवाची जलद नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आपका भवदीय। देन क्वेश्चन नंबर 148, मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है? सो मस्ताना में ऑप्शन सी, आना प्रत्यय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावाग्नि शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जंगल में स्वयं लगने वाली आग के लिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महत्वाकांक्षी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ 2014 का लेक्चरर स्क्रीनिंग का पेपर ख़त्म होता है। इसके साथ ही मैं आपके लिए 2018 का लेक्चरर सब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश का लेकर आऊँगी बहुत जल्द। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।